अर्जुन, हेलो राहुल, हेलो विक्रांत, हेलो आयत, हेलो हेलो एवरीवन। सुनाने देते हैं बच्चों को, फिर स्टार्ट करते हैं ना, फिर स्टार्ट करते हैं बच्चों। ओके सो बच्चों, आज का जो सेशन है वो एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी सेशन है डीयू एलएलबी के लिए, राइट? किसके लिए बच्चों? सो डीयू एलएलबी के लिए। ओके सो देखो बच्चों, डीयू एलएलबी में एग्जैक्टली करना है, सभी को बहुत बहुत बच्चों को बहुत सारे कंफ्यूजन है कि क्या डीयू एलएलबी सीयूईटी के अंडर होगा, है ना? सभी के अंदर ये कंफ्यूजन है ना सीयूईटी का। जल्दी से बताओ बच्चों, जो भी बच्चे, हेलो 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 प्रणव, हेलो अर्जुन, हेलो राहुल। सो आप मुझे बताओ, क्या सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि क्या सीयूईटी 3 ईयर LLB का जो जो 3 ईयर LLB के लिए जो पेपर होने वाला है सीयूईटी, हाँ, ज्योत्सना को भी या लक्ष्मी को भी? ओके लक्ष्मी, वैसे तुम्हारे कमेंट्स नहीं दिखेंगे, दिस इज फॉर 3 ईयर LLB, लेकिन हाँ, हम लोग जब आज मैथ्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये सेशन जो मैथ्स और जीके डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके का पैटर्न का क्वेश्चन आता है, तो उसमें आप शामिल हो सकते हो, लेकिन ये स्पेशली 3 ईयर LLB के लिए, राइट? क्लियर है अनिमेश, आशीष, विकास, देवेश? अब देखो, सभी बच्चों को ये टेंशन है कि क्या DU LLB CUET पेपर के अंदर आएगा, क्या ये CUET पेपर के अंदर आएगा, सभी को कंफ्यूजन होगा ना। तो देखो प्रॉब्लम क्या है, अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि जो BHU का पेपर था 3 ईयर LLB के लिए, वो पेपर CUET के अंदर आ रहा है, ठीक है? मतलब CUET पेपर कंडक्ट करेंगे, और जो आपका पेपर होगा BHU का, उसमें वही होगा, राइट? तो अब बच्चों को कंफ्यूजन है कि क्या DU LLB भी उसी तरीके से होगा, CUET के अंदर होगा, सिर्फ CUET का फॉर्म फिलअप करने से हम लोग दोनों एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे, मतलब फॉर BHU और फॉर DU LLB? तो ये अभी तक एग्जैक्टली कंफ्यूजन ही है बच्चों, ये एग्जैक्टली श्योरिटी किसी को भी नहीं है। अभी भी मैं बोल सकती हूँ कि मे बी CUET के अंडर ही DU LLB का पेपर होगा। ज्यादातर चांसेस है कि मई और जून के बीच में पेपर आ जाएगा, जैसे पेपर आपका होने वाला है। सो 100 डेज के करीब में है आपके पास, मतलब कि 3 मंथ के अप्रोक्स, ठीक है? अप्रोक्स 3 मंथ्स के लिए है। तो मैं आपको आज स्ट्रेटजी बताऊंगी कि आपको एग्जैक्टली किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए, कि क्या एग्जाम का पैटर्न होगा, क्या आपको सॉल्व करना चाहिए। सीयूईटी के अंदर ही होता है ना, होता है सीयूईटी के अंदर। DU LLB का कंफर्मेशन नहीं है अभी कि सीयूईटी के अंदर ही होगा, क्योंकि BHU तो होता है, मैंने एक बार दिया है। ओके
ओके ओके, ये लास्ट वाला दिया था देवेश, लास्ट वाला एग्जाम दिया था सीयूईटी के अंदर, डीयू जो दिए थे वो लास्ट वाला एग्जाम के अंदर दिया था, मतलब लास्ट एग्जाम दिया था। हाँ तो मुझे बताओ कि सीयूईटी में जब पेपर आया था, तो देखो बच्चों को तो ये भी कंफ्यूजन होता है ना कि इस बार सीयूईटी के अंडर होगा या नहीं होगा। लास्ट टाइम तो एग्जैक्टली बच्चों आपका जो पेपर हुआ था वो सीयूईटी के अंडर ही हुआ था, राइट? और आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ डीयू एलएलबी क्या, आपका बीएचयू का जो पेपर था सीयूईटी ही लेता है मैम। हाँ तो देवेश सीयूईटी ही लेता है, लेकिन इस बार थोड़ा डाउटफुल है क्योंकि कुछ ऐसी बातें चल रही थी कि वो शायद अपना अलग से कंडक्ट करे, लेकिन मे बी ये सीयूईटी ही ले, राइट? अब देखो सीयूईटी अगर दोनों का एग्जाम लेता है, मतलब बीएचयू का पेपर भी लेता है सीयूईटी, और अगर पेपर लेता है डीयू, राइट? क्योंकि जैसा कि प्रीवियस ईयर में जो पेपर हुआ था डीयू एलएलबी का, वो किसके अंडर हुआ था बच्चों? वो अंडर हुआ था सीयूईटी के, राइट? और आपको तो पता ही है कि बीएचयू का पेपर सीयूईटी के ही अंडर होता है, ये मुझे नहीं पता। ओके ओके, कोई बात नहीं देवेश। सो अब आपको पता होना चाहिए कि बीएचयू का पेपर भी सीयूईटी के अंडर होता है, डीयू एलएलबी का भी पेपर सीयूईटी के अंडर होता है। तो आप मुझे बताओ कि आपने कभी बीएचयू के क्वेश्चंस का पैटर्न देखा है जो सीयूईटी के अंडर हुआ था? क्या आपने उसका क्वेश्चन का पैटर्न देखा है? उन्होंने बीएचयू नहीं मैम। हाँ देवेश मुझे पता है, डीयू एलएलबी की ही बातें कर रही हूँ मैं डीयू एलएलबी की ही बातें कर रही हूँ, राइट? मैं डी यू एल एल बी की ही बातें कर रही हूँ, मैं सिंपली बता रही हूँ कि जब आपने पी एच यू का पेपर देखा होगा सीयूईटी के लिए, पहली बात तो मैं बच्चों को सभी को ये बताना चाहूंगी कि 3 ईयर एल एल बी के लिए बहुत सारे पेपर होते हैं, ठीक है? आप सिर्फ डी यू एल एल बी क्यों देते हो मुझे पता नहीं है, आपको सारे पेपर देने चाहिए, बी एच यू भी देना चाहिए, डी यू एल एल बी भी देना चाहिए आपको, और आपको बच्चों एम एस सी ई टी भी देना चाहिए। क्या देना चाहिए? एम एस सी ई टी भी देना चाहिए, राइट? क्लियर है? 3 पेपर तो आपको जरूर देने चाहिए। दूसरी बात मैं आपको ये बता रही हूँ कि सीयूईटी के अंडर अगर डीयू एलएलबी होता है, ठीक है, तो आप लोगों के मन में एक डाउट है कि क्या जो पैटर्न, जो एग्जाम जो बीएचयू का है, जो बीएचयू के एग्जाम का जो पैटर्न है, क्या वो डीयू एलएलबी का होगा? क्योंकि आपको पता है कि जब इस सीयूईटी बीएचयू का पेपर लिया था, जब सीयूईटी बीएचयू का पेपर लिया था, तो यहाँ से जो लीगल के क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही कम आए थे, है ना? क्या किसी ने भी दिया है या प्रीवियस ईयर पेपर चेक करे बीएचयू के? जल्दी से बताओ देवेश, सनी, अनुप्रिया, एनीवन, जल्दी से बताइए। अमित, मंजर, नहीं मैम किसी ने भी नहीं चेक किया। अच्छा तो बीएचयू के पेपर में बच्चों इन्होंने क्या करा है, लीगल के मार्क्स थोड़े से कम कर दिए हैं और मैथ्स के मार्क्स बढ़ा दिए, मतलब पेपर जो है वो थोड़ा मैथ्स ओरिएंटेड कर दिया उन्होंने। क्या कर दिया है? मैथ्स ओरिएंटेड कर दिया है। तो डीयू एलएलबी का भी क्या पेपर कुछ ऐसा ही होगा? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि जो डीयू एलएलबी का पेपर है, अच्छा मुझे एक बात बताओ कि सिर्फ देवेश को डीयू एलएलबी देना है कि और भी बच्चे हैं जिन्हें डीयू एलएलबी देना है? कम ऑन, क्या और भी बच्चे हैं जिन्हें डी यू एल एल बी देना है? एनीवन जल्दी से बताइए। हेलो हेलो केशव, मैंने पढ़े। अच्छा अनिमेश को भी देना है। तो मुझे बताओ कि जब तुम लोग डी यू एल एल बी का पेपर देखते हो, जब ऑलरेडी, हाँ मैं, मुझे पता है, मुझे, मैं समझ गई, जब आप डी यू एल एल बी का देवेश मुझे एक बात बताना, देवेश मुझे एक बात बताना कि लास्ट ईयर तो जितना मुझे याद है कि डी यू एल एल बी का पेपर सीयूईटी के अंडर नहीं था। किसी ने भी सुना है कि सीयूईटी के अंडर था डी यू एल एल बी का पेपर? और अगर जो भी ये बात कह रहा है, नहीं नहीं देवेश, मैं मुझे भी याद है कि लास्ट ईयर नहीं था, लास्ट ईयर पेपर नहीं था बच्चों। और अगर देवेश, अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो मुझे बताना, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि लास्ट ईयर डी यू एल एल बी का पेपर सीयूईटी के अंडर नहीं था, और इस बार बातें हो रही है कि शायद सीयूईटी के अंडर ही डी यू एल एल बी होगा, ठीक है? लास्ट ईयर मतलब अभी जो एडमिशन हुआ था ना उसके बाद बता रही थी, नहीं था। ज्योत्सना भी बोल रही है, इवन मुझे भी जितना पता, गुड इवनिंग सोनाली, जितना मुझे भी पता है, बाकी बच्चों को भी पता है, हेलो परवेश,
बाकी बच्चों को भी पता है, सभी बच्चों को पता है कि लास्ट ईयर का जो पेपर था सीयूईटी के अंडर डीयू एलएलबी तो नहीं था, लेकिन इस बार बातें हो रही है, अभी तक कोई शॉर्ट शॉर्ट न्यूज नहीं है हमारे पास जो मैं आपको ये बता पाऊँ कि डीयू एलएलबी सीयूटी के अंदर आएगा कि नहीं आएगा। एग्जैक्टली आ भी सकता है, 90% चांसेस है कि हो सकता है, मतलब 90-80% चांसेस है कि आ सकता है, लेकिन 20% चांसेस नहीं है। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो जो आपका सीयूईटी के अंडर का जो पेपर है बच्चों, सीयूईटी अंडर के अंडर का जो पेपर है, जैसे मैंने आपको बोला बीएचयू 3 ईयर एलएलबी वाला, तो क्या आप लोगों ने क्वेश्चन का पैटर्न देखा? इसमें इन्होंने ना लॉ ओरिएंटेड से थोड़ा हटा के क्या कर दिया, मैथ्स ओरिएंटेड पेपर कर दिया है। मैथ्स के क्वेश्चंस बढ़ा दिए और लीगल के क्वेश्चंस थोड़ा सा घटा दिया। तो बच्चों को डर है कि मैम क्या समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लीगल पढ़े या नहीं पढ़े, क्योंकि सीयूईटी में तो बीएचयू में तो क्वेश्चंस नहीं आए थे ज्यादा, और क्या मैम गारंटी है कि डीयू एलएलबी में आएंगे? तो बच्चों ये ना पूरा ये जो डिपेंड करता है कि किस तरह के पेपर आने हैं, ये कंप्लीटली यूनिवर्सिटी करती है। जस्ट लाइक कि बीएचयू का बीएचयू डिसाइड करती है, डीयू एलएलबी का डीयू एलएलबी ही करेगी, ज्यादा चांसेस है। ये जरूरी नहीं है सीयूईटी डिसाइड नहीं करती है। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको अगर बताऊं कि जो डीयू एलएलबी का जो पेपर होता है बच्चों, वो जनरली आपको पता होना चाहिए कि डीयू एलएलबी शुरू से, मतलब अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे होंगे, तो वो हमेशा से लीगल ओरिएंटेड पेपर रहा है। ठीक है, उसमें लीगल के क्वेश्चंस आते ही आते हैं, उसमें स्टैटिक के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो कि लीगल का पार्ट है उसके क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा देखे गए हैं। हेलो नीलम, ठीक है, तो इसलिए ये मैं बोल सकती हूँ बच्चों कि डीयू एलएलबी के जो का जो पेपर है बच्चों, उसमें ज्यादातर चांसेस हैं कि लीगल आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि सिलेबस क्या है, आपको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ से बताऊंगी कि सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या क्या है, टॉपिक। अच्छा, अगर नहीं भी आता है लीगल या आता भी है लीगल, तो चलो लीगल के अलावा बाकी सारे सिलेबस तो सेम है। मतलब कि अगर मैं टॉपिक की बात करूँ बच्चों, ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों, अगर मैं टॉपिक की बात करूँ, ध्यान से देखो, अगर मैं टॉपिक की बात करूँ तो देखो बाकी चीजों का तो पता नहीं है, लेकिन हाँ मई में पेपर होगा तो क्या आप करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो? क्या आप करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो? दूसरी बात, क्या आप स्टैटिक जीके पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो? क्या आप स्टैटिक जीके पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो? तीसरी बात, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों हर एक 3 ईयर एलएलबी के पेपर का, या फिर 5 ईयर एलएलबी पेपर का, मतलब अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इसकी भी तो तैयारी आप कर सकते हो अभी से, है ना? आप जितना ये एग्जैक्टली जो पार्ट है वो स्टैटिक जीके का पार्ट है। ठीक है, पार्ट ऑफ स्टैटिक जीके। तो मैं आपको सिंपली बोलूंगी कि ठीक है आपको कंफ्यूजन है लीगल में, फाइनली मैम हम सिलेबस को लेकर काफी डिस्टर्ब थे, थैंक यू सो मच, वेलकम नीलम। ओके, सो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, ठीक है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, स्टैटिक जीके पढ़ना है। ठीक है, मुझे पता है कि आपको लीगल में डाउट है कि जो आपका पेपर है बच्चों एग्जैक्टली जो बीएचयू का पेपर है, तो उसमें ना थोड़ा सा लीगल का पोर्शन कम है, तो बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन है। तो चलो ठीक है, लीगल के अलावा पहले जो पढ़ना है वो पढ़ लेते हैं। लॉजिकल पढ़ सकते हैं बच्चों, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ सकते हैं, इन सब चीजों पे आप थोड़ा ज्यादा ध्यान दो। फिर दूसरी बात, क्या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ सकते हो? क्या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ सकते हो? पढ़ सकते हो बच्चों। क्या आप क्या आप क्या आप अच्छा, जब आप एमएससीईटी के लिए, जब आप एमएससीईटी के लिए फॉर्म फिलअप करोगे या अपियर होगे, जब आप एमएससीईटी के लिए अपियर होगे, तो क्या आप बच्चों लीगल पढ़ोगे? क्या आप लीगल पढ़ोगे? ऑब्वियसली पढ़ोगे ना, थोड़ा बहुत तो पढ़ोगे। तो लीगल ऑब्वियसली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके पढ़ लेना, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो ये आप ये क्लियर, इतने टॉपिक के अलावा आप ये भी क्लियर करके रख लो। कब पेपर हो जाए कुछ पता नहीं है, मई में भी पेपर हो सकता है, जून में भी, तो ज्यादातर चांसेस है ये 2 महीने में आपके पेपर हो जाएंगे। तो समझ में आ गया आपको अभी फिलहाल कौन कौन से पोर्शन पढ़ना स्टार्ट कर देना है? करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि स्टैटिक जीके का पार्ट है, लॉजिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब इंग्लिश, और एमएससीटी। मैम पता है हम एयू एलएलबी का एग्जाम दिए थे, बट एग्जाम सिलेबस से ऑपोजिट आया था, इसलिए सिलेबस। ओके, अच्छा,
अब आपको मैं एक पेज शेयर करूंगी कि अच्छा आप लोगों को पता है कि एलिजिबिलिटी क्या है? जल्दी से बताइए, क्या आप लोगों को पता है कि एलिजिबिलिटी क्या है? एनीवन, किसी को भी पता है? कोई भी बताओ, किसी को भी पता है कि एलिजिबिलिटी क्या है? नहीं पता है? हाँ पता है, देवेश को पता है। ठीक है, देवेश को पता है। जस्ट वेट, मैं आपको जस्ट बता रही हूँ, एक सेकेंड। मैं आपको थोड़ा सा एलिजिबिलिटी वाला पेज दिखला देती हूँ, ठीक है? हेलो मैथ, हेलो मुकेश, मुझे बताओ कि क्या मैंने आपके सारे लॉजिकल के पार्ट खत्म कर दिए हैं? क्या मैंने आपको सारे लॉजिकल के पार्ट आपके लिए खत्म कर दिया है? जल्दी से बताइए। एनीवन, ऑब्वियसली खत्म कर दिया मैंने। और इवन आज तो प्रैक्टिस को क्वेश्चंस भी कर रहे थे हम लोग, है ना? आज तो हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर रहे थे। क्लियर है बच्चों? जस्ट वेट। हेलो सुमन, ओके, क्या आपको विजिबल है बच्चों? जल्दी से बताओ, क्या आपको विजिबल है? ध्यान से पढ़ना। एलएलबी एडमिशन, एलिजिबिलिटी फॉर एलएलबी एडमिशन, कोर्स रिक्वायरमेंट ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और एनी अदर इंडियन और फॉरेन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ऑब्वियसली आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। कैंडिडेट अपियर इन द क्वालिफाइंग डिग्री। अगर सपोज दैट कि बाय द वे आपका ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट हुआ, आपका थर्ड ईयर में कंप्लीट होने वाला, आप अपियरिंग भी हो तो भी आप भर सकते हो। कैंडिडेट हु हैज पास्ड एलएलबी कोर्स फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी शैल नॉट बी अलाउड टू टेक एडमिशन। सो कैंडिडेट ऑन द रोल्स ऑफ एलएलबी और एक्स स्टूडेंट ऑफ एनी यूनिवर्सिटी शैल नॉट बी अलाउड टू टेक एडमिशन इन द एलएलबी कोर्स अनलेस दे गेट देयर एडमिशन कैंसिल। सो मार्क्स रिक्वायरमेंट क्या है? अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 50% एटलीस्ट चाहिए होता है बच्चों, या फिर ओबीसी सीडब्ल्यू पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 45% बच्चों, एंड एससी एसटी कैटेगरी के लिए 40% बच्चों। राउंडिंग ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मार्क्स इज नॉट अलाउड, राइट? मैम जो सब्सक्रिप्शन है वो DULLB और MSET का एक में ही हो रहा है क्या क्लास? नीलम, जो सब्सक्रिप्शन है अभी 3 ईयर LLB के लिए, वो MSET DULLB सभी का साथ में ही हो रहा है शायद, क्योंकि DULLB के लिए तो ऐसा कोई कोर्स स्टार्ट नहीं हुआ है, तो सिर्फ अभी MSET के लिए ही कोर्स स्टार्ट है, तो मैं ये स्पेशल क्लास में ले रही हूँ, ठीक है बच्चों, है ना? जो यहाँ पे प्लस वाले बच्चे हैं उन्हें पता होगा, क्या प्लस वाले बच्चे हैं यहाँ पे? जल्दी से बताइए। अब देखो, ध्यान से देखना, आपको पता होना चाहिए कि जो मोड ऑफ एग्जाम है वो ऑनलाइन है। ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर में भी ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, ठीक है? ड्यूरेशन 2 घंटे का बच्चों। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 क्वेश्चन, एमसीक्यूज टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स कंजिस्ट करेगा, तो 100 × 4 क्या हो जाएगा बच्चों? 400। निगेटिव मार्किंग क्या हो जाएगा? फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड, ठीक है? हर एक गलत आंसर का जो है बच्चों, मतलब 1/4, मतलब अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 मार्क्स आपका जाएगा। सब्जेक्ट है क्या क्या है? इंग्लिश लैंग्वेजेस है, कॉम्प्रिहेंशन, एनालिटिकल एबिलिटीज है जो आपको मैंने करवा दिया है, लीगल अवेयरनेस भी है, एंड एप्टीट्यूड है अभी तक तो जनरल नॉलेज भी है और इंग्लिश भी है, और लैंग्वेज ऑफ द एग्जाम भी इंग्लिश है। क्लियर है? इज इट एलेट? नो, दिस इज फॉर DULLB एनंदनी। ओके, गॉट इट? क्लियर है सभी को कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स आएंगे, कौन सा पेपर देना है, किस लैंग्वेज में आएगा, ये सब आया होगा आपको, क्लियर होगा, राइट? अब आपको मैं बताती हूँ कि अच्छा आप मुझे बताओ, चलो आते लीगल के बात पे, कि लीगल एग्जैक्टली कैसे पढ़े। हेलो प्रेम, अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि मैम आप मुझे बताओ कि लीगल हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं, है ना? लीगल हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं? तो मैं आपको ना एक कुछ बुक सजेस्ट करूंगी, और वैसे तो ऑब्वियसली आपको एडुकेटर पढ़ा भी रहे होंगे, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपने एक बुक सुना होगा यूनिवर्सल की,
ठीक है, जिसके लिए 3 ईयर LLB या 5 ईयर LLB अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगर आपको देने हैं, तो यूनिवर्सल की एक बुक आती है बच्चों, आप जो थ्योरी पढ़ रहे हो उस पर अगर रिविजन करना चाहते हो तो आप इससे भी कर सकते हो। इससे बच्चों MCQs भी जरूर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि वो आपके प्रैक्टिस का सबसे बड़ा जरिया है। ठीक है, जब आप इसमें डिस्कशन करते हो तो इसकी थ्योरी कर रहे हो, ठीक है, इसकी MCQs कर रहे हो, तो क्या और भी MCQs प्रैक्टिस करने की जरूरत है? इट इज, देखो इसके साथ साथ आप PYQs भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो बच्चों? PYQs भी कर सकते हो। इसके साथ साथ एक और बुक आती है, अगर और भी प्रैक्टिस करने का मन किया तो एक सिंघल की बुक आती है। किसकी बच्चों? एक सिंघल की बुक आती है, उनके MCQs भी कर सकते हो। ठीक है, थ्योरी सिर्फ एक बुक से होनी चाहिए, यूनिवर्सल से या फिर आपको जो एडुकेटर करवा रहे हैं उनसे, और बाकी सारे बुक से आपको प्रैक्टिस करनी है MCQs। क्या समझ में आया कि मैं क्या बोल रही हूँ? लीगल की जो प्रिपरेशन करनी है वो किस तरीके से होनी चाहिए? नंदनी, नीलम, देवेश, सुमन, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, आई एम आस्किंग टू यू ओनली, कोई तो रिस्पॉन्ड करो कि जो मैं बोल रही हूँ समझ में आ रहा है, जल्दी से बताइए बच्चों। यस मैम, ओके। अब दूसरी आपको बता रही हूँ मैं कि आपको और कौन कौन से बुक से, मतलब सॉरी, कौन कौन से बुक से बोलूँ और क्या क्या पढ़ना है आपको। मैं अगर आपको बात करूं कि आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर रहे हो, तो आपको पहले ना क्रिमिनल लॉ पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। जनरली उसके क्वेश्चंस देखे गए हैं। किस पे बच्चों? क्रिमिनल लॉ फर्स्ट। वो चाहे प्राइवेट हो, डिफेंस हो, प्राइवेट, एक सेकेंड, प्राइवेट, डिफेंस और जनरल एक्सेप्शंस, ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। क्या मैं उम्मीद करूं कि आप पढ़ोगे? जल्दी से बताओ बच्चों। देवेश, नंदनी, दूसरा जो आपने आपको पढ़ना है वो कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ना है। तीसरा आपको टॉट्स पढ़ना है, ठीक है, टॉट्स पढ़ना है। फिर आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, दैट इज IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये भी आपको पढ़ना है। उसके बाद बच्चों एक मुस्लिम लॉ जो है वो पढ़ना है आपको, ठीक है, और आपको जो 6 पॉइंट है बच्चों वो हिंदू लॉ मैरिज एक्ट, हिंदू लॉ मैरिज एक्ट, मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, और बच्चों स्पेशल मैरिज एक्ट आप जानते हो ना, स्पेशल मैरिज एक्ट, और एक चीज और पढ़ना है बच्चों, इंटरनेशनल लॉ। क्या पढ़ना है? इंटरनेशनल लॉ। तो ये कुछ आपके लीगल के सिलेबस हैं, आप जो भी पढ़ रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन आपको इन सब को भी पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्लियर है? उम्मीद करूं कि आप लोग ये टॉपिक कंप्लीट कर लोगे, फॉर स्पेशली DULLB, राइट। अब चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों अबाउट लीगल टर्म्स। ठीक है, आपको ना कुछ ध्यान में रखने हैं लीगल टर्म्स, फ्रेजेस और कुछ मैक्सिम्स। क्या बच्चों? कुछ मैक्सिम्स। अब आपने सुना होगा ना, जो करंट अफेयर्स में या फिर आपने पुराने भी जजमेंट सुने होंगे, तो उन्हें कौन सा जजमेंट बोलते हैं? लैंडमार्क जजमेंट, जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, जिनको अभी भी फॉलो करते हैं हम लोग। लैंडमार्क जजमेंट्स, कमीशंस, ये सब आपको पढ़ने हैं लीगल में। सिलेबस बहुत ही कम है बच्चों, अगर आप कंप्लीट करना चाहो तो बहुत आराम से हो जाए। जितने भी इंडिया के जजेस हैं उनके उनके फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए, फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडियन जजेस, ठीक है, इंडियन जजेस। उसके बाद आपको PYQ सॉल्व करने की बहुत आवश्यकता है, ताकि आपका लीगल के क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होता है वो आप कर पाओ। ओके ओके देवेश, क्लियर है कि लीगल के क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है वो आपको इस यहाँ से समझ में आ जाएगा जब आप ये सारी चीजें पढ़ोगे तो। गॉट इट? ठीक है, कौन से बुक से पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, और थोड़ा सा ना जो लीगल लैंडमार्क जजमेंट अगर कुछ करंट अफेयर्स में भी हो ना, मतलब लीगल करंट अफेयर्स में, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखो। ठीक है, ये तो हो गया लीगल के क्वेश्चन, ठीक है, ये हो गया आपके लीगल के क्वेश्चन। अब अगर मैं बात करूं कि करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स की बात करूं, तो आपको तो मैं बोलती हूँ हमेशा कि 1 साल के करंट अफेयर्स करो। अगर आपको करंट अफेयर्स करने हैं तो जुलाई 2022 से लेकर जून 2023, ठीक है, जून 2023 तक,
जुलाई से जून 2023। आपको इसमें पढ़ने क्या क्या है बच्चों? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप बहुत ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? उसके बाद आपको जो पढ़ना है बच्चों वो रैंकिंग और सर्वे। क्या पढ़ना है आपको बच्चों? रैंकिंग आपको पता ना हमारी कंट्री की रैंकिंग क्या होती है। फिर सर्वे भी पढ़ना है आपको कि अवार्ड्स किस किस फिल्म में मिले हैं, ये भी ध्यान रखना। ऑस्कर ये सब भी जो भी है, जितने भी आप अवार्ड याद कर सकते हो। गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट स्कीम्स लेके आती है ना, चाहे वो स्टेट की हो चाहे वो नेशनल हो, गवर्नमेंट स्कीम्स याद रखनी है, ठीक है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड न्यूज हो गया। कुछ नेशनल इंटरनेशनल न्यूज भी देख लेना जो बहुत चल रहा होगा, नेशनल एंड इंटरनेशनल, और स्पोर्ट्स भी देख लेना। अच्छा, अगर आपको इनके लिए नोट्स नहीं बना रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंथली मैगजीन आती है बच्चों, क्या आती है? मंथली मैगजीन आती है, आप उससे कर सकते हो। वैसे तो मैं आपको करंट अफेयर्स रिवीजन करवाती हूँ, अभी तो खैर स्टैटिक चल रहा है, अगर करंट अफेयर रिवीजन करना है तो आप मेरे पास आ सकते हो, ठीक है? इसके अलावा आपको कहाँ से पढ़ने हैं मैं आपको नोट्स बना के दे दिया करूंगी। ऐसे तो एक बहुत फेमस बुक है प्रतियोगिता दर्पण, आप भी जानते हो। लेकिन इसके अलावा अगर आपको रिवीजन करना पड़े, रिवीजन करना रहे मेरे तरफ से, तो आप बिल्कुल कर सकते हो आके। क्लियर है? जल्दी से बताओ। अच्छा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में बच्चों क्या यूनाइटेड नेशन से जो क्वेश्चंस आते हैं, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से क्वेश्चंस आते हैं, आईसीजे से भी, यूनाइटेड नेशन से क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्या कभी पढ़ा है तुमने? क्या भी पढ़ा है? लास्ट में अगर टाइम मिलेगा तो मैं 10 मिनट्स में क्वेश्चंस करवाऊंगी, टेंशन मत लो, ठीक है? अब आपको स्टैटिक में क्या डिस्कस करना है, जो कि अभी मैंने आपको सबसे पहला बोला है, यूएन। यूएन आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद आपको साइंस पढ़ना है बच्चों। क्या पढ़ना है? साइंस पढ़ना है, साइंस के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इम्पोर्टेंट डेज भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है बच्चों? इम्पोर्टेंट डेज भी पढ़ना है। ज्योग्राफी में थोड़ा सा पोर्शन देखना है, ज्योग्राफी में। डांस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा हिस्ट्री देख लेना। वैसे तो मेरी कोर्स चल रही है लेकिन 5 ईयर पे चल रही है, तुम लोग कैसे आओगे, छोड़ो। हिस्ट्री पढ़ना है। मैं क्वेश्चंस बच्चों करवा रही हूँ, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। 11 PM पे मेरी रोज स्पेशल क्लास होती है। अच्छा, आपने कभी ये पढ़ा है कि फर्स्ट कौन था जिसने जो चांद पे चढ़ा, राइट? फर्स्ट कौन था जो चांद पे गया था? तो ये जो फर्स्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इम्पोर्टेंट फर्स्ट, वो क्वेश्चंस थोड़े से देख लेने। बुक्स एंड ऑथर्स देख लेना बच्चों। कुछ इकोनॉमिक टर्म्स भी देख लेना, क्योंकि इकोनॉमिक से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? क्या क्लियर रहेगा, याद रहेगा? जल्दी से बताओ, क्योंकि मैं इन सब से क्वेश्चंस करवाऊंगी अगर आप लोग रेगुलर रहोगे तो। प्रेम, देवेश, नंदिनी, रितिका, अभिषेक, गोलू, एनीवन, जल्दी से बताओ। क्लियर है? अगर आप लोग आओगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस करवा दूंगी, ठीक है? याद रहेगा। वैसे मैंने ये सारे क्लासेस तुम लोगों के लिए ही रखे हैं। अच्छा, अब दूसरी बातें करती हूँ, लॉजिकल की बातें, ठीक है? जो मैंने आपको करवा रखी है, अगर आपने नहीं किए हैं, तो जिनके पास भी 3 ईयर LLB का सब्सक्रिप्शन है बच्चों, तो वो मेरे क्लासेस को रिकॉर्डेड देख सकता है, या और भी जो भी क्लासेस कर रहे हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? लॉजिकल रीजनिंग में एक बुक आती है आर्यस अग्रवाल की, मैंने पिन भी कर रखी है, या मैंने बच्चों को शेयर भी करा है 3 ईयर LLB वाले ग्रुप में, तो तुम देख सकते हो। ठीक है, अब देखो, आज ही मैंने करवाया है एनालॉगी, वो सिलेबस का पार्ट है। पजल टेस्ट, राइट? क्या होगा बच्चों? पजल टेस्ट, सर्कुलर टेबल, सर्कुलर टेबल जो सिटिंग अरेंजमेंट जिसे बोलते हो, ऑड वन आउट, ऑड वन आउट, सीरीज, सीरीज आएंगे, डायरेक्शंस, डायरेक्शंस सीरीज में दोनों बच्चों, नंबर और अल्फाबेटिकल, नंबर एंड अल्फाबेटिकल, अच्छा डायरेक्शंस भी आएंगे, ब्लड रिलेशन। अच्छा, आप ये सारे नोट डाउन कर रहे हो जो मैं आपको यहाँ पे लिखवा रही हूँ, क्या वो सारे आप नोट डाउन कर रहे हो? एनीवन? कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी आ सकते हैं,
वो एक होता है इस टाइप का क्वेश्चंस, वो भी देख लेना, मैथमेटिकल ऑपरेशन, नंबर सीक्वेंस एंड रैंकिंग, नंबर सीक्वेंस एंड रैंकिंग। सो ये सारे बच्चों सिलेबस है लॉजिकल रीजनिंग के। क्या मैंने कुछ भी छोड़ा? क्या मैंने कुछ भी छोड़ा? एक बार ना थोड़ा सा सिलॉग्स भी देख लेना, बेसिक सिलॉग्स देखना। जनरली डीयू में सिलॉग्स के क्वेश्चंस बहुत कम देखेंगे। ओके हेलो स्नेहल, हेलो भोलेश्वरी, क्लास में बात आपसे बात हो सकती है? हाँ टेलीग्राम पे मैसेज करना देवेश। बच्चों बहुत सारे बच्चे हैं, सिलॉग्स देख लेना, वैसे सिलॉग्स से क्वेश्चंस आते हैं, आप देख लीजिएगा, एक दो क्वेश्चंस आ सकते हैं। हाँ आपको पता होना चाहिए कि 2019 में इसमें क्वेश्चन देखे गए थे, 2019 में इससे क्वेश्चन देखे गए थे। सिलॉक्स कहाँ से प्रैक्टिस करनी है? आरएस अग्रवाल, मैंने पहले बुक बोला आपको, आरएस अग्रवाल। इसके अलावा अगर आपको कोई बुक जाननी है, स्पेशली सिलॉक्स और इन्फ्रेंस और कंक्लूजन से भी क्वेश्चन आता है, इन्फ्रेंस और कंक्लूजन से, लेकिन आया है पता है कब? 2018 में, जो बहुत बेसिक्स होते हैं, चार क्वेश्चन देखे गए थे बच्चों। ये अगर आपको इन दो चैप्टर्स पे कमांड करना है तो आप एम के पांडे की बुक देख सकते हो। मैम डीयू सीयूईटी के थ्रू होगा क्या? स्नेहल बातें तो हो रही है, अभी कुछ श्योरिटी नहीं है ऐसी, तो मैं कुछ कंफर्म नहीं बताऊंगी अभी स्नेहल की। हाँ हो सकती है या नहीं हो सकती, हो भी सकती है नहीं भी, लेकिन ज्यादातर चांसेस है कि डीयू जो है सीयूईटी के थ्रू ही होगा। चैनल नेम ए पूजा 11 देवेश, इट्स ए पूजा 11, ठीक है, टेलीग्राम पे। अच्छा अब इंग्लिश में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना, बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट होता है कि मैम इंग्लिश का सिलेबस क्या है, मतलब समझ ही में नहीं आता कि इंग्लिश में पढ़े तो पढ़े क्या। देखो मैं आपको जो बताऊंगी ध्यान से सुनना, आरसी दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसके क्वेश्चन देखे गए बच्चों, 2022 में भी देखा गया, 2020 में देखा गया था उसका क्वेश्चन, 2018 17 और 16 तक देखा गया। ओके मैंने मैंने जो मतलब एनालाइज करा है इतने दिनों में, वो मैं बता रही हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओके अब अगर मैं ईडियम्स की बात करूँ, ना हो डीयू सीईटी के थ्रू, सीईटी में लीगल नहीं आते। हाँ देखो स्नेहल का बात सुनो, स्नेहल की पॉइंट सुनो, मैं वही आपको बताना चाह रही थी कि स्नेहल इज आस्किंग अबाउट दैट कि मैम डीयू जो है वो सीईटी के थ्रू होगा क्या, और स्नेहल मैंने इस बारे में बातें करी है और इन्होंने लिखा है कि सीयूईटी के थ्रू मैम ना हो ज्यादा अच्छा, क्योंकि उसमें लीगल के क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये ना सीयूईटी डिसाइड नहीं करता कि किसमें कौन से क्वेश्चंस आने चाहिए, मतलब कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो पेपर था, बीएचयू का जो पेपर था, उसमें चूंकि इन्होंने लीगल कम कर दिया था, बहुत कम कर दिया था, और मैथ्स के क्वेश्चंस बहुत बढ़ा दिए थे, है ना स्नेहल? तो बच्चों को यही डर है कि कहीं डीयू एलएलबी में भी सेम काम ना हो जाए। लेकिन बच्चों ये कम्प्लीटली डीयू एलएलबी के ऊपर है कि वो अपने सिलेबस को क्या रखना चाहती है, ठीक है, वो अपने सिलेबस को क्या रखना चाहती है। तो ये डीयू एलएलबी बच्चों ज्यादा डिसाइड करेगी। जनरली ये जो बच्चों है लीगल के क्वेश्चंस और लीगल ओरिएंटेड पेपर है इसका, तो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशन को इसको तो छोड़ना नहीं चाहिए, अब बाकी टाइम ही बताएगा। ये हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के आधार पे बोल रहे हैं, एग्जैक्टली हमें भी पता नहीं है कि अभी तक इन्होंने क्या डिसाइड करा है, ठीक है? तो जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन कंफर्मेशन होता है, मतलब कंफर्म होता है हमें, तो मैं हम ऑब्वियसली मैं आपको जरूर बताऊंगी, ठीक है? ओके सो बच्चों अभी तक मैंने आपको बताया कि आरसी कौन कौन से ईयर में देखे गए, मैंने एनालाइज करा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। शायद ये वाले पेपर आई थिंक 2021 में नहीं देखा गया था, 2000 पता नहीं 19 वाला डाउट है मुझे, देख लेना। सो ईडीएम का बच्चों 2022 में पूछा गया, मैम सीवीटी के लिए स्टार्टिंग से मैथ्स कहाँ से करें? स्नेहल सब्सक्रिप्शन ले सकती हूँ 3 ईयर एलएलबी के लिए, 3 ईयर एलएलबी के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकती हो। तो मैं एक बार बात करूंगी कि मैं मैथ्स पढ़ाऊंगी फिर स्टार्टिंग से उसमें, क्योंकि पेपर है डीयू एलएलबी में भी और सीयूईटी के लिए में भी मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं।
तो अगर सब्सक्रिप्शन ले सकती हो मैम, सीयूईटी में डोमेन सब्जेक्ट होगा। हाँ डोमेन सब्जेक्ट तो क्या कहा जाता है, डोमेन सब्जेक्ट तो नहीं होना। तुम लोगों ने कभी बीएचयू वो वाला पेपर नहीं दिया बच्चों, बीएचयू वाला पेपर, बीएचयू वाला पेपर नहीं दिया किसी ने? एनीवन? तो वो 5 ईयर वाला डोमेन सब्जेक्ट होता है ना, 5 ईयर वाला बच्चों डोमेन सब्जेक्ट किस में होता है? डोमेन सब्जेक्ट किस में होता है मुझे बताना, सभी से पूछ रही हूँ। डोमेन सब्जेक्ट जो होता है वो किस में होता है? जब कोई बच्चा BA LLB या फिर यूजी में, हाँ अंडर ग्रेजुएट में, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपको वो डोमेन सब्जेक्ट क्यों देना है बच्चों? पेपर डोमेन सब्जेक्ट का थोड़ी ना होता है, 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं जनरली। समझ आ रहा है डोमेन सब्जेक्ट क्यों नहीं पूछे जा रहे हैं? सो प्रीवियस ईयर के अगर आप लोग, अच्छा ठीक है, मैं दूसरे क्लासेस में जब मैं दूसरा क्लासेस लूंगी तो मैं प्रीवियस ईयर के ना आपको पेपर दिखाऊंगी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन का क्या पैटर्न रहा है। अब अगर पूरे पेपर मिल जाएंगे मेरे को तो मैं आपको पूरा दिखा दूंगी, लेकिन पैटर्न आपको मैं दिखा सकती हूँ। ठीक है, क्लियर है? स्नेहल, आयत, प्रेम, कम ऑन बच्चों, सभी को बोल रही हूँ मैं, जल्दी से बताइए। अरे स्नेहल तुम एक दो दिन रुक जाओ, मैं तुम्हें कंफर्म कर दूंगी कि अगर कोई मैथ्स का कोर्स स्टार्ट कर देते हैं हम लोग फॉर DU LLB और फॉर CUET, तो तुम अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहती हो मैथ्स के लिए तो तुम आ सकती हो। मैम मुझे मुझे एक लिए क्लास करनी है, मैथ्स के लिए क्लास करनी है। हाँ मुझे पता है स्नेहल, तो मैं इस बात पहले मैं तुम्हें श्योरिटी दे देती हूँ कि अगर मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो जाएगी तो तुम फिर सब्सक्रिप्शन ले लेना। ठीक है स्नेहल? ठीक है ना? ओके, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना एक आध दिन, फिर जैसा होगा मैं तुम्हें बता दूंगी। ओके, और सभी को मेरा रेफरल कोड याद होना चाहिए, A Pooja 11, ताकि जो भी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है वो उसमें आपका ये यूज हो जाए और कुछ डिस्काउंट आपको मिल जाए, और कोई ऑफर नहीं भी चल रहा है तो 10% तो एटलीस्ट डिस्काउंट मिल जाए। ठीक है, अब चलो, बातें कर रहे थे इंग्लिश की ना, बातें कर रहे थे इंग्लिश की, जस्ट वेट, इंग्लिश में क्या क्या किस तरह के पैटर्न देखे गए अभी। पता है आज मुझे ना क्या नाम है उसका, एक बच्चा था देवेश, देवेश आर इन द क्लास? आज देवेश मुझे टोटली कंफ्यूज कर दिया। हाँ देवेश ने मुझे बोला कि मैम मैंने प्रीवियस ईयर में पेपर दिए थे DU LLB के, जो कि CUET के अंडर था, है ना देवेश? और मैं टोटली कंफ्यूज हो गई कि मुझे जितना पता है कि अभी तक तो उन्होंने करा नहीं है, पता नहीं देवेश ने कौन से पेपर दे दिए। मैम मैं तो दिए होंगे देवेश, लेकिन वो CUET के अंडर नहीं है, उसका सेपरेट पेपर रहा होगा। लास्ट ईयर तक तो वो सेपरेटली पेपर लेता था ना। अच्छा अगर तुम्हारे पास उसका एडमिट कार्ड है तो प्लीज मुझे भेजना, प्लीज मुझे भेजना। मैम मैंने आपका मैथ्स का रिकॉर्डेड क्लास किया, बहुत अच्छा पढ़ाते हो। थैंक यू सो मच अभिषेक। ओके, अब देखो इडियम्स का ना बच्चों, इडियम्स वाले में क्या क्या, कब कब देखे गए इडियम्स के क्वेश्चन? 2022 में आए थे, फिर 2019 में आए थे, 2000 मैं आपको भेजूंगा, डन 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 2019 में, 2018 में और 2016 में इसके क्वेश्चन देखे गए हैं। अच्छा अब आप अगर स्पेलिंग करेक्शन देखो, स्पेलिंग करेक्शन देखो, तो स्पेलिंग करेक्शन इज अ वेरी इजिएस्ट पार्ट, और स्पेलिंग करेक्शन में आप बहुत सारे मार्क्स उठा सकते हो। तो ये सिर्फ 2019 में ही पूछे गए थे, अब इनका कुछ पता नहीं होता बच्चों कि कब क्वेश्चन के पैटर्न ये बदल दे। फिर इसमें और क्या आ सकता है, फाइंडिंग एरर्स आ सकता है बच्चों। क्या आता है फाइंडिंग एरर्स? देखो मैंने तुम लोगों के लिए, मैंने तुम लोगों के लिए पिछले 6-7 साल के क्वेश्चंस के पैटर्न को देखने की कोशिश करी है, समझने की कोशिश करी है कि क्या क्या क्वेश्चन वो पूछे हैं। फाइंडिंग एरर से बच्चों 2022, 2018, फिर 2016 और 2017, ये देखे गए बच्चों। मीनिंग ऑफ वर्ड्स, ठीक है, मीनिंग ऑफ वर्ड्स भी पूछे गए हैं 2022,
तो देखो आप इसके अकॉर्डिंग सिलेबस अपने अकॉर्डिंग मतलब समझ सकते हो कि क्या पैटर्न है। फिलिप्स भी पूछा गया बच्चों, फिलिप्स पूछा गया है लेकिन ये 2018 में ही पूछा गया है तो ये शायद नहीं आने के चांसेस है। और एक एक और पूछा गया बच्चों, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। क्या? सेंटेंस रीअरेंजमेंट। तो क्या मैं को श्योरिटी के साथ पूछूं तुमसे, मतलब तुम मुझे श्योरिटी के साथ आंसर करोगे कि क्या तुम लोग इंग्लिश में इन सब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे? एनीवन, देवेश, अभिषेक, स्नेहल, आयत, पूरी, मैं चाहूंगी कि प्लीज प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि क्वेश्चंस के पैटर्न कुछ इसी से होंगे। ठीक है, अब देखो मैथ्स के क्वेश्चंस का क्या हाल है, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत लोग बच्चों को डाउट है कि अगर सीवीटी के अंडर कर दिया तो मैथ्स के क्वेश्चन तो भर भर के देगा, है ना, भर भर के देंगे। सो बच्चों ऐसा जितना मुझे पता है 2021 में मैथ्स के दो क्वेश्चंस आए थे। क्या आए थे बच्चों? मैथ्स के दो क्वेश्चन आए थे, पहला था एवरेज और दूसरा था प्रॉफिट एंड लॉस। मुझे पता है, समझ में आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अच्छा आप लोगों के लिए एक और गुड न्यूज है, मैं दूं आप लोगों के लिए एक और गुड न्यूज है। मुझे एक बात बताना, 3 ईयर LLB में कोई और क्लास लेता है स्पेशल पे? 3 ईयर LLB में स्पेशल पे और कोई क्लास लेता है? स्पेशल क्लास, स्पेशल क्लास सिर्फ मैं ही ले रही हूँ, सिर्फ मैं ही ले रही हूँ, सच में? ओ माय माय, सच बताओ बच्चों, मैं सभी से पूछ रही हूँ, मैं सभी से पूछ रही हूँ। देखो मैं आपको बताती हूँ कि ये मैथ्स का जो सेक्शन है बच्चों, पता नहीं देवेश आज सिर्फ तुम हो क्लास में क्या? क्या सिर्फ क्लास में देवेश है? जल्दी से बताइए। हेलो पायल, सो 2019 में 4 से 5 क्वेश्चन देखे गए थे, तो ये बिल्कुल अजम्पशन के आधार पे मैं बोलूंगी। मैम अभी क्या बात हुई? हाँ क्योंकि और कोई आंसर नहीं कर रहा ना देवेश। ये मैं गुड न्यूज ये दे रही थी ना कि मैं आपके लिए नेक्स्ट मंथ भी आपके लिए कुछ स्पेशल क्लासेस लूंगी जिसमें मैं आपको मैथ्स भी पढ़ाऊंगी, 2 से 3 दिन मैथ्स करवाऊंगी, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी करवाऊंगी, उसके बेसिक्स भी सॉल्व करवाऊंगी, वो स्पेशल क्लास पे होगी। ओके, ये बात बतानी थी, एक्चुअली किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं करा तो मुझे लगा कि बताना है कि नहीं बताना, समझ नहीं आ रहा था। सो 2017 में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। नंबर ऑफ डेज से क्वेश्चन पूछे गए थे, परसेंटेज से पूछे गए थे, स्पीड एंड डिस्टेंस से पूछे गए थे, ठीक और प्रॉफिट एंड लॉस से पूछे गए थे और एवरेज से पूछे गए थे। तो बच्चों कहीं ना कहीं हम लोग ये सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि आपको अगर मैथ्स में पढ़ना है तो आप एवरेज पढ़ो, परसेंटेज पढ़ो, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ो, स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़िए और एक चैप्टर प्रोबेबिलिटी पढ़िए। अब देखो 4 5 6 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स से, सिर्फ 4 5 6 क्वेश्चन आते हैं। हाँ देवेश, अभी तक तो DU LLB के लिए जो पेपर है उसमें 5 से 6 क्वेश्चन है, लेकिन BHU का जो पेपर है उसमें काफी मैथ्स पूछे गए थे। और ऐसा ज्यादातर चांसेस देखा जा रहा है कि अगर इस बार CUET के अंडर होगी तो एटलीस्ट आप उम्मीद रखो कि 8 10 क्वेश्चंस तो पूछ ही लेंगे, तो बहुत ही ज्यादा वैल्यू रखती है बच्चों 10 क्वेश्चंस मैथ्स के, मतलब अप्रोक्स 10%, राइट? मतलब 10% नहीं, मतलब हाँ 7 8%, ठीक है, नहीं 10% ही, तो अगर 10 आ गए तो 10%, 100 ही क्वेश्चन तो है, ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको मैं बताती हूँ कि अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ध्यान से देखिएगा बच्चों, अब आपको मैं बताऊंगी कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो आप कोशिश करिए कि कंप्लीट योर सिलेबस। ठीक है, क्या करना है बच्चों? कंप्लीट योर सिलेबस, कंप्लीट योर सिलेबस।
एक बारी जब कंप्लीट हो जाती है तो आपको क्या करना है बच्चों, रिवाइज करिए, रिवाइज करिए अपने सिलेबस को 2 से 3 बारी। कोशिश कीजिए कि मॉक लगाइए। क्या लगाइए? मॉक लगाइए। अगर आप रिवाइज अभी नहीं कर सकते हो तो पहले जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो मॉक लगाओ। मॉक लगा के बाद बच्चों आप एनालाइज करो कि मॉक में आपने क्या गलतियां करी और क्या सही करा। क्या टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है या नहीं है, समय सही जा रहा है। तो निगेटिव मार्किंग अगर ज्यादा जा रहा है तो किस तरीके से निगेटिव मार्किंग को हैंडल किया जाए, ठीक है। उसके बाद बच्चों जब आप एनालाइज करते हो कि आपने कौन से सेक्शन में आपको प्रॉब्लम हो रही है, इट मींस कि आपका जो सिलेबस का वो पार्ट है वो सही तरीके से आपने रिवीजन नहीं करा है, तो आप उसको रिवीजन करो। दूसरी बात ये बच्चों कि जब आप पढ़ रहे हो, जब आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हो, तो आप क्या करो, नोट्स भी बनाओ। कुछ चीजों के तो नोट्स बनाने बहुत जरूरी है बच्चों, जैसे लीगल के, जैसे थोड़े से मैं बोलूँ तो लीगल के, जैसे स्टैटिक जीके के, ये सब के नोट्स बनाओ। नोट्स बनाओ, उसके बाद एमसीक्यूज भी अटेम्प्ट करो। उसके बाद बच्चों आप क्या करो, रिवीजन करो। वीक में एक दिन शेड्यूल बनाइए कि रिवीजन करिए। सो इस तरीके का आपका प्रोसेस पूरा होना चाहिए। गॉट इट? समझ में आया? तो फर्स्ट टारगेट आपका क्या होना चाहिए बच्चों, आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करो, उसके साथ साथ नोट्स बनाओ। नोट्स बनाते हो, जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो उसके साथ एमसीक्यू सॉल्व करो, उसके बाद वीकेंड्स में उसे रिवीजन करो। जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो जाए मॉक लगाओ, मॉक को एनालाइज करो कौन से सेक्शन में अभी भी छूट रहा है, फिर उसे रिवाइज करो। तो इस तरीके से आपके सेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे, मैं इस बात की गारंटी देती हूँ। लेकिन आपको हर रोज एटलीस्ट 2 आवर्स तो देने पड़ेंगे, है ना। मतलब आपको 2 घंटे रोज देने पड़ेंगे एटलीस्ट। मतलब कि अगर आपने टारगेट रखा है कि चलो हमें, और हाँ एक और बात, हर रोज सपोज दैट कि मंडे को अगर आपने डिसाइड करा है कि आपको मैथ्स पढ़ना है, आपको स्टैटिक जीके पढ़ना है, ठीक है, अलग से क्लासेस के अलावा मैं बोल रही हूँ, तो उसके बाद ट्यूजडे को आपने क्या किया, थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया, आपने क्या सोचा, स्टैटिक के साथ सीए भी मैं लिख दे रही हूँ अल्टरनेट में जैसा पढ़ना चाहते हो, आपने डिसाइड क्या किया, आप लॉजिकल रीजनिंग के साथ साथ इंग्लिश कर रहे हो, ठीक है, और थोड़ा सा जब भी टाइम मिल रहा है तो दोनों में हल्का हल्का लीगल पढ़ रहे हो, ठीक है, लॉजिकल यहाँ, इंग्लिश यहाँ, मैथ स्टैटिक सीए यहाँ, लीगल दोनों में थोड़ा थोड़ा कर रहे हो। तो इस तरीके से अगर करोगे तो हमारे पास जो टोटल टाइमिंग है 100 डेज अप्रॉक्स, हम लोग क्वेश्चन मतलब हम लोग अपने गोल को अचीव करने में कहीं ना कहीं क्या बोलोगे, सक्षम हो जाएंगे। लेकिन ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आप मेरे पास भी आओगे तो मैं भी आपको यही बताऊंगी। चलो ठीक है, आप मैथ्स अगर अलग से नहीं करना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस क्लास कर लेना, 1 घंटे की क्लास होगी, जब भी मैं कंफर्म कर दूंगी। और स्टैटिक जीके टॉपिक वाइज करते जाओ, मैं आपको क्वेश्चंस करवाते जाऊंगी मिक्स करके, तो उस तरीके से भी खत्म हो जाएगा। फिर आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस भी करो, जब कुछ मन नहीं लग रहा है तो आप आराम से क्या करो, एमसीक्यूज निकालो और बैठ के लगा लो। बस 50 क्वेश्चन रोज के टारगेट रखो कि अच्छा आपने ये टॉपिक करे तो उससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन आपको कर लेने, ठीक है। तो पहले तो कॉन्सेप्ट पे काम करो कि कॉन्सेप्ट खत्म करना है, उसके बाद फिर बाकी चीजों पर काम करना। क्लियर है? जल्दी से बताइए, क्या क्लियर है? एनीवन जल्दी से बताओ। अब मुझे पहले ये बताओ कि क्या तुम लोगों को भी कोई डाउट है, क्या तुम लोगों को भी कोई डाउट है, पूछ सकते हो। अगर तुम लोगों को भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी ना। आपके मन में अगर कोई डाउट है जो मैंने कंप्लीट मतलब हटाया नहीं। अच्छा अब मैं आपको थोड़ा सा, नहीं है, अब मैं आपको थोड़ा सा क्या करवाऊंगी, ध्यान से सुनो। इम्पोर्ट मैम, ये क्लास कब से शुरू हुई है? 7 to 8 है ये देवेश। मैं आपको अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको करवाऊंगी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। सो क्या आप रेडी हो? जल्दी से बताओ। कुछ क्वेश्चन मैंने बोला था ना कि 10 मिनट हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस कर लेंगे, जल्दी से बताओ। हेलो एकता, बहुत जल्दी आ गई, मैंने पूरा ड्यूएल मिस हुआ मेरा। हाँ ड्यूएल एलबी के बारे में सब कुछ बता रही थी, फाइनली अब नहीं मिस हुआ, अब तो क्वेश्चन ही करते हैं।
चलो तो फाइनली मैंने तो कुछ आपको जीके के क्वेश्चंस मतलब एक एक टॉपिक करके सोचा कि खत्म करवाऊंगी, तो यूनाइटेड नेशंस पे डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको एमसीक्यूज के जरिए खत्म करवाऊंगी। सो आप मुझे बताओ कि विच वॉज द फर्स्ट स्टेप टू फॉर्म एन इंटरनेशनल नेशन लीग दैट इज रेड क्रॉस और इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस और ग्रुप ऑफ कंट्री या नन, क्या होगा बच्चों? एंड द पोल इज दिस वन। वेरी गुड देवेश, वेरी गुड मंजर, वेरी गुड रिया, वेरी गुड सिद्धि, वेरी गुड पायल एंड द करेक्ट आंसर। हेलो सचिन। ओके सो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखेंगे, ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैं आपको एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी। 1899 में इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस हुआ था इन द हेग टू एलोबोरेट इंस्ट्रूमेंट फॉर सेटिंग क्राइसिस पीसफुली, प्रिवेंटिंग वॉर्स एंड कोडिफाइंग रूल्स ऑफ वॉरफेयर। सो इट अडॉप्टेड द कन्वेंशन फॉर द पैसिफिक सेटलमेंट एंड इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स and established the permanent court of arbitration, जो कि काम करना कब से स्टार्ट हुआ है, 1902 से। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन बच्चों, जल्दी से बताओ, क्या मैं पोल दूं? एनीवन? क्या मैं पोल दूं? अर्लियर द यूनाइटेड नेशन वॉज नोन एज, and the poll is this one. Very good Sachin, Ekta, Animesh, very good Jyotsna. Very good Payal. क्या बात है, 100% लोगों ने करेक्ट आंसर करा है, नाइस नाइस बाय द वे। ओके सो ध्यान से देखना, फोर रनर ऑफ द यूनाइटेड नेशन वॉज द लीग ऑफ नेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन कंसीव्ड इन सर्कमस्टांसेस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड एंड एस्टैब्लिश्ड इन 1919 अंडर द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड टू अचीव पीस एंड सिक्योरिटी। पता है ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो उसके बाद इन्होंने क्या डिसाइड करा था कि शांति मेंटेन करने के लिए इन्होंने यूनाइटेड नेशन के साथ मिलके यूनाइटेड नेशन के पहले क्या बना था, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बना था, सो ये लीग ऑफ नेशन बना था, लेकिन ये भी सक्सेसफुल नहीं रहा, उसके बाद यूनाइटेड नेशन बना है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। ठीक है सो खैर, तो इसलिए यूनाइटेड नेशन का पहले जो नाम था मतलब उसे जाना जाता था लीग ऑफ नेशंस के नाम से, लेकिन चूंकि वो सक्सेसफुल नहीं रहा था। ठीक है ओके, लेकिन किस लिए बना था ये आप ध्यान रखिएगा बच्चों, टू प्रमोट द इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड टू अचीव पीस एंड सिक्योरिटी। केशव तुम्हारे कमेंट एकता को नहीं दिख रहे थे, नहीं दिख रहे होंगे। सो वेरी गुड एकलव्य, वेरी गुड अनिमेश, वेरी गुड पायल, वेरी गुड मुकेश। सो द करेक्ट आंसर इज डी बच्चों। वो बोल रहा था एकता जल्दी आने के लिए शुक्रिया। ये हो गया बच्चों इसका आंसर, पोल कर दिया हमने, जल्दी से बताओ पोल कर दिया। फर्स्ट कॉन्क्रीट प्लान फॉर अ न्यू वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन वाज पुट फॉरवर्डेड बाय हूम, क्या वो रशिया के प्रायर डिफेंस मिनिस्टर थे, क्या वो चाइनीज स्टेट डिपार्टमेंट था, क्या वो कैनेडियन डिफेंस मिनिस्ट्री था, क्या वो अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट था। सो बच्चों करेक्ट आंसर इज अमेरिकन। So the earliest concrete plan for a new world organization began under the aegis of the US State Department in 1939. ठीक है? The text of the declaration by United Nations was drafted at the White House on 29 December 1941. और President कौन थे? Franklin D. Roosevelt, Prime Minister Winston Churchill and Roosevelt Ed Harry Hopkins. Okay. आपको ये तो पता होना चाहिए विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉज नॉट द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द नेशन, यूनाइटेड नेशन मतलब यूएन, यूएन के फाउंडिंग मेंबर में से कौन नहीं है। एंड द पोल इज दिस वन।
सो वेरी गुड एकलव्या सिद्धि, वेरी गुड मनसा, वेरी गुड रिया, वेरी गुड सचिन. सो द करेक्ट आंसर इज इट्स डी, दैट इज फ्रांस. तुम लोगों को ये भी नहीं पता है कि फ्रांस है, मतलब इतने इजी क्वेश्चंस भी गलत करोगे. आपको मैं बताती हूँ, यूएन वॉज फॉर्मुलेटेड एंड नेगोशिएटेड अमंग द डेलीगेशन फ्रॉम द अलाइड बिग फोर. बिग फोर कौन कौन सा है? यूएस, यूके, सोवियत यूनियन मतलब रशिया एंड चाइना. तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि फ्रांस नहीं है, इसके साथ साथ रशिया है. क्या है मतलब? यूएसएसआर. आपकी संगति का असर हो गया सबका. अच्छा, मेरी संगति. सो ध्यान से देखिएगा, एट द डम्बार्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस फ्रॉम 24 सितंबर 1944 टू 7 अक्टूबर 1944, एंड दे एग्रीड ऑन द एम्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द यूएन. सो मुझे बताओ कि जो यूनाइटेड नेशन का जो टर्म है ना, मतलब पहली बार ये जो टर्म है वो किसने यूज करा था, और ये टर्म कौन रखा है? वेरी गुड एकता. सो वेरी गुड एकलव्या. सो वेरी गुड सचिन सिद्धि, एंड द करेक्ट आंसर इज इट्स फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट. हेलो आदित्य. ओके, सो आपको बता दूं, जो यूएन जो है नेम वो कॉइन किया गया यूएस के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा. अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड द डिक्लेरेशन ऑफ द यूएन वाज साइन इन 1942 बाय 26 नेशन, प्लेसिंग देयर गवर्नमेंट टू कंटिन्यू फाइट टुगेदर अगेंस्ट द एक्सेस पावर दैट इज रोम, बर्लिन, टोक्यो एंड एक्सेस, एंड बाउंड देम अगेंस्ट मेकिंग अ सेपरेट पीस. हेलो आदित्य, व्हेन वाज यूएन ऑफिशियली केम इनटू एग्जिस्टेंस? यूएन ऑफिशियली कब एग्जिस्टेंस में आया था? एंड द पोल इज दिस वन. वेरी गुड एकलव्या, वेरी गुड एकता. सिर्फ आज एकता आंसर कर दिया ना. वेरी गुड सिद्धि मंजर, वेरी गुड सचिन, वेरी गुड रिया. वाह ग्रेट. सो बच्चों करेक्ट आंसर 24 अक्टूबर 1945. ओके, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि ओपन हुआ था सैन फ्रांसिस्को में 25 अप्रैल 1945 को, अटेंड करा था 50 गवर्नमेंट के द्वारा, एंड अ नंबर ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कि इन्वॉल्व थे ड्राफ्टिंग द यूएन चार्टर में. सो कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन सैन फ्रांसिस्को यूएसए. इट वॉज अटेंडेड बाई रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 50 कंट्रीज एंड साइंड ऑफ द यूएन चार्टर. दिस वन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन? नॉट द परमानेंट, नॉट द परमानेंट. क्या बात है. अब आप बोलोगे कि मैम उस समय तो फ्रांस नहीं था, है ना? आप बोलोगे ना कि मैम क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड जस्ट बच्चों, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में फ्रांस नहीं होगा फाउंडिंग मेंबर और परमानेंट मेंबर है. तो यस बच्चों, जब यूएन चार्टर जो था वो जब साइन हो रहा था तो उस समय फ्रांस नहीं था. उन्होंने फिर बाद में आए हैं वो, और उन्होंने सिग्नेचर करा है इस एक्ट पे, और उसके बाद वो परमानेंट मेंबर बने हैं. ठीक है, तो उस समय वो फाउंडिंग मेंबर में नहीं है, लेकिन हाँ वो परमानेंट मेंबर में है. तो इस पॉइंट को कंफ्यूज मत करिएगा. ओके, सो परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इज फ्रांस, रिपब्लिक ऑफ चाइना, द सोवियत यूनियन, यूके एंड यूएस. फ्रांस बिकेम परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल आफ्टर साइनिंग द यूनाइटेड चार्टर. ठीक है, एंड दिस इज द लास्ट. सॉरी, हु वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन? एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बच्चों. वेरी गुड एकता, एकलव्या. सो द करेक्ट आंसर इज इट सी, दैट इज ट्राइग्विलाई. ओके, सो इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल दे देती हूँ. द जनरल असेंबली सिलेक्टेड न्यूयॉर्क सिटी एज द साइट ऑफ द हेडक्वार्टर ऑफ द यूएन. नॉर्वेजियन फॉरेन मिनिस्टर ट्राइग्विलाई वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट यूएन सेक्रेटरी जनरल. डैग हैमरस्कॉल्ड वाज द मोस्ट एक्टिव सेक्रेटरी जनरल फ्रॉम 1953 अंटिल हिज डेथ इन 1961.
सो आई होप बच्चों की अब डीयू एलएलबी को लेके आपके आपको सिलेबस को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी, और अगर कोई भी डाउट रहे होंगे तो आप मुझे बिल्कुल बता सकते हो. मैं आपके स्पेशल क्लासेस लूंगी 3 ईयर LLB के लिए. सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वो है मेरी 11 PM पे नेक्स्ट क्लास. बाय, टेक केयर बच्चों, बाय बाय. और हाँ, भूलना मत इट्स ए पूजा 1-1, राइट मैम? एक बार, अच्छा, ए पूजा 1-1 मेरा रेफरल कोड भी है और टेलीग्राम आईडी भी है, तो अगर आपको कुछ मैसेज करना है तो यू कैन कमेंट ऑन दिस वन, राइट? सो बाय बच्चों, टेक केयर.